दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के तीसरे T10 मैच के बारे में जो कि LIZ वर्सेस HL के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मैच आपको देखने को मिलेगा। और गाइस गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि ये मैच आपके लिए हाई इन्वेस्टमेंट वाला मैच है। अब मैंने आपको एक बात बोला है कि ये मैच हाई इन्वेस्टमेंट वाला मैच है, तो मैं एक बार और आपको ये बात कह देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगर वो अप्लाई नहीं होती है, वो वर्क नहीं करती है, तो फिर तो गेम आपका स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपकी डेडलाइन एंड होने से पहले आपका गेम एंड हो जाएगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा और बहुत ही ख़तरनाक रिस्क लेने वाला हूँ। लेकिन रिस्क जो लूँगा वो मुझे पता है कि हाँ भाई मैंने जो रिस्क लिया है वो बहुत ही शानदार रिस्क है। समझना, गेम को समझना। देखो सिंपल सी कहानी है, पूरा वीडियो देखो, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अगर वो चीज़ें अप्लाई होती है तो हाई इन्वेस्टमेंट इस मैच में आपको करना है, ठीक है। सिंपल सी कहानी, चलिए वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो यूजर्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक आपको ज़रूर कर देना। और जो फाइनल टीम मिलेगी आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जहाँ पर आप ही की तरह 191,000 से ज़्यादा मेंबर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। गाइज ये वैसे भी T10 फॉर्मेट है, यहाँ पर तो 90% और स्पेशली ये मैच, क्योंकि ये तो हाई इन्वेस्टमेंट वाला मैच है ना, तो ये मैच तो बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा टॉस के ऊपर। तो ध्यान रहे, टेलीग्राम चैनल से जो यूजर्स नहीं जुड़े, ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अब गाइज देखो LIZ और HL में आप कंपेरिजन करोगे तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप लोग सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा LIZ एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है HL के कंपैरिजन में, ठीक है। हालांकि देखो आप ये मान सकते हो 60-40 का रेशो मान सकते हो, क्योंकि HL भी इतनी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि HL ने इस टूर्नामेंट का जो सबसे ज़्यादा स्कोर होता है वो इसी टीम ने बनाया, 147 रन बना दिए थे मंदो ने दो ही विकेटों पर, और ये इस टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा स्कोर था। लेकिन NFCC के अब्दुल्लाल तास्मीन को इसको चेंज कर लिया था और सेकेंड मैच फिर जो HL का हुआ था वो ये विन कर गई थी। तो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, दो मैच खेले, एक मैच हारी जरूर होगी लेकिन दिल जीत लिया था इनके प्लेयरों ने और सेकंड मैच ये जीत गई थी। अब गाइस देखो आपको बताएं, चाहे टीम जीते चाहे टीम हारे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो हमारी परफेक्ट टीम चाहिए जो हमें विन करवा दे। अब मैक्सिमम लोगों की कॉमन टीम होगी जिसमें आप देखोगे यू शाह हो गए बैटिंग में, ए उल्ला हो गए, एम खान हो गए, जमन हो गए, या हो सकता है जावेद हो जाए, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। और राउंडर में जावेद अली शाह, वाई महमूद, इस सैयद तनवीर और यहाँ से जसमाल। बॉलिंग में आप आओगे क्यू अनवर लोग लेंगे, उसके बाद सैयद जिया और तीसरा प्लेयर या तो वो लोग जो है आर एहसान के साथ चले जाएंगे या फिर आफरीदी के साथ, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों की जो टीम होगी वो ये होगी जिसमें कैप्टन जावेद अली शाह और वाइस कैप्टन सैयद तनवीर, ये लोगों की टीम रहने वाली है। लेकिन अपन को ये टीम नहीं करनी। अब देखो हाई इन्वेस्टमेंट आपको कब करना है, क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप लोग हाई इन्वेस्टमेंट तब करोगे जब ये चार चीज़ें वर्क करती है। सबसे पहले LIZ की टीम बॉलिंग करे, ठीक है, LIZ की टीम अगर बॉलिंग करेगी तो उसके बाद, ठीक है, पहली चीज़ तो LIZ बॉलिंग करनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये जो यू शाह है, क्योंकि ये यू शाह क्या है, ये अगर ये है तो विकेट कीपर, ठीक है, मतलब अभी के लिए कुछ मैचेस में विकेट कीपर के तौर पे खेल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने मैचेस देखे तो ये बॉलिंग करवाया था, यानी कि नॉर्मल प्लेयर खेल रहा था और बॉलिंग करवाया तो विकेट भी लेगा, और क्योंकि ओपन भी कर रहा है, LIZ की टीम भी स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर इसको एडवांटेज मिल जाएगा। सभी का कैप्टन कौन आएगा, जावेद अली शाह, मैक्सिमम लोगों का वाइस कैप्टन जो आएगा वो यहाँ से सैयद तनवीर होगा, और आपका भाई ये कहेगा कि आपको सैयद तनवीर को लेना ही नहीं है। अब देख लो, लोगों की टीम का वाइस कप्तान हमारी टीम में होगा ही नहीं, तो ये कैसा मैच रहने वाला है। बस ये ध्यान रखना, ये जो ए खान है ना, ये गेम खेले, क्योंकि अगर ये गेम खेलेगा ये डेथ में बॉलिंग करेगा, LIZ बॉलिंग करेगी, ये डेथ में बॉलिंग करेगा, ये विकेटलेस जा ही नहीं सकता, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इनके सिर्फ तीन ही प्लेयर बढ़िया है जिसमें आपको देखने को मिलेंगे जसमल, ठीक है, सेकंड प्लेयर आपको वाई महमूद और तीसरा प्लेयर यहाँ से आपको एम इकराम। हालांकि इकराम का सिलेक्शन कम है लेकिन बहुत तगड़ा प्लेयर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तीन प्लेयर हैं और एंड के ओवर्स में इतने अच्छे इनके पास बैटिंग वाले प्लेयर है नहीं, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेगा अरशद खान और ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगा। तो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट LIZ बॉलिंग करें, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यू शाह एज ए नॉर्मल प्लेयर खेल रहा है या एज ए विकेट कीपर, क्योंकि नॉर्मल खेलेगा तो बॉलिंग करेगा हम डायरेक्टली VC बना देंगे। और तीसरा प्लेयर ये ध्यान रखना है कि ए खान खेले, क्योंकि ए खान लास्ट मैच नहीं खेला था लेकिन आज के मैच में खेलने के चांसेस काफ़ी हाई है और ये हमारी टीम हो जाएगी इस मैच में एक क्रूशल टीम जो शायद आपका ओपोनेंट लेके नहीं आएगा।
हो सकता है ले भी आए अगर आप वो आईकेएम फैमिली से विजिट करता है तो ये मेरी टीम है। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात आती है, हालांकि देखो कई लोगों को तो यही नहीं पता है कौन कब बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा। देखो आपको पता है ये T10 फॉर्मेट है, ठीक है, बैटिंग बॉलिंग सारे चेंजेस होते रहते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन ओपन करता है कौन बैटिंग मतलब कैसे बैटिंग के लिए आएगा, ठीक है। सो जीवन जसमल यासिर महमूद ओपन करेंगे, यासिर महमूद जीरो पे गया था और इस मैच में हाई चांस से ये परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ठीक है, और बैटिंग से ओपन करेगा प्लस में बॉलिंग भी करवाता है, पहले मैच में दो और बॉलिंग करवाई फिर सेकंड मैच में एक और बॉलिंग करवाई, तो अच्छा प्लेयर है बॉलिंग करवाता है ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ से वन डाउन मोहम्मद इकरम बहुत तगड़ा प्लेयर है, ये बहुत तगड़ा प्लेयर है, हालांकि आप कहोगे कि यार इसका सिलेक्शन तो काफ़ी कम है लेकिन मैं कहूँगा GL की टीमों में जरूर ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद क्यू अनवर हो गए, ये इनका बैटिंग ऑर्डर है, जो लोग मतलब जिनको बैटिंग ऑर्डर चाहिए था उसके लिए। सैयद तनवीर चौथे नंबर पर आया था लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस मैच में भी आए, क्योंकि लास्ट मैच में आपको देखने को इस मैच में आप लोग देख रहे हो जो कासिम अनवर है ये कौन है, बॉलर है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये रहा ये बॉलर है लेकिन ये पांचवें नंबर बैटिंग के लिए आया। अब आना किसको चाहिए था, रऊफ जमन हो गए, राजा एहसान हो गए, तो बैटिंग ऑर्डर का ध्यान रखना, ठीक है। ये जो सैयद तनवीर है हालांकि लास्ट मैच का ये हीरो रहा है लेकिन ये भी आपको बताएगा लास्ट मैच का हीरो नेक्स्ट मैच में जीरो जाता ही जाता है। देखो सैयद तनवीर ने चौथे नंबर पर बैटिंग करके 28 रन की बेहतरीन इनिंग खेली, प्लस में बॉलिंग से 3 विकेट लिए, लेकिन सामने भी तो टीम देखो ना, सामने कौन सी टीम है, सामने टीम है जावेद अली शाह वाली टीम, जिनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है जिनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो यही रीज़न से मैंने इस मैच में आपको स्टार्टिंग में कहा है कि ये हाई इन्वेस्टमेंट वाला मैच रहने वाला। तो ये मेरी टीम है, बाकी अगर कोई चेंज होता है मेरी टीम के अंदर वो मैं आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे बता ही दूंगा। और गाइस देखो ड्रीम इलेवन से ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट हाई मतलब ड्रीम पे तो रहेगा ही और उससे भी ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट होगा फैंटाफिट पे, उसका रीज़न भी है क्योंकि देखो ड्रीम इलेवन में आप लोग जाओगे तो ये जो है ना ए उल्ला इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसका आपको पता है कभी बैटिंग आती है कभी नहीं आती है और ऐसा ये मतलब काम चलाऊ प्लेयर है, लेकिन क्या है 3 प्लेयर लेने ही पड़ेंगे ना, मजबूरी है भाई 3 तो लेने ही पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसको ले रखा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा आर एहसान के साथ, उसका रीज़न क्या है, मैं जाना चाहता हूँ, हालांकि मैं इस ड्रीम में तो ये नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये बंदा दो और बॉलिंग करेगा और लास्ट मैच में आप देखोगे हिटिंग करने मतलब की थी इन्होंने और 22 रन का स्कोर किया था, तो बैटिंग से भी पॉइंट और बॉलिंग से भी पॉइंट, लेकिन ड्रीम में क्या है 3 ही प्लेयर मतलब 3 बैट्समैन तो लेने ही पड़ते हैं ना, तो उस रीज़न से मैं इसको नहीं ले पाया हूँ। तो यही रीज़न है जो फैंटाफिट एप्लीकेशन है जो माईशोर 11 एप्लीकेशन है इन पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो और भी हाई रहने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो विकेट कीपर में यूशा, बैटिंग सेक्शन में आपको एम खान और आर जमन को पिक करना है, आपको ऑलराउंडर सेक्शन में ए खान, ठीक है, जावेद अली शाह, वाई महमूद और यहाँ से जसमल, बॉलिंग में आपको आना है सैयद जिया, क्यू अनवर और यहाँ से ए फफरीदी और आर एहसान। देखो ये जो टीम कॉम्बिनेशन है ये बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो अभी मैं आपको फैंटाफिट का दिखा रहा हूँ, ये सेम टीम अभी जो मैंने आपको ड्रीम इलेवन की दिखाई थी ना यही टीम में वो देखो टीम दिखा दी थी, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं दिखाए थे, कैप्टन जावेद अली शाह है, वाइस कैप्टन यूशा है, यूशा का मैं चेंज कर सकता हूँ जब ये एज ए विकेट कीपर के तौर पे खेलता है। तो ये मेरी टीम हो गई फैंटाफिट की, और बात आती है माइसूर की टीम की वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रीम की टीम मैंने आपको दिखाई दी, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको पता लगी गए, इन्वेस्टमेंट कब करना है ये भी मैंने बता दिया है। अब मन मर्जी से इन्वेस्टमेंट मत कर देना कि भाई हाई इन्वेस्टमेंट बोला था और मैं तो इन्वेस्टमेंट कर दिया मुझे नहीं पता है मैं हरा दिया आपने ये है वो है, भाई मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं तो अपनी चीज़ आपको बताऊँ। अब देख लो इस तरीके से माइंड वर्क करता है मेरा, तो बाकी आपका कैसा करता है ये आप लोग जानते हो, मैंने तो आपकी जो मेरी चीज़ें थी वो बता दी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं आपको जो मेरी मेन एप्लीकेशन है मतलब माईशोर 11 एप्लीकेशन है उसकी भी टीम दिखा देता हूँ। सो गाइस माईशोर में विकेट कीपर, ठीक है, वही यूशा है, बैटिंग में मुर्तजा खान, रऊफ जमन, ऑलराउंडर में जावेद अली शाह, यासिर महमूद, सैयद तनवीर लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑलराउंडर को हम पिक कर सकते हैं आसानी से, और बाकी एक खान तो हमारा ट्रंप कार्ड साबित हो ही गया, और उसके अलावा जीवन जसमल अच्छी फॉर्म में है ही, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 ऑलराउंडर प्लेयर। बॉलिंग में आप आओगे सैयद जिया, क्यू अनवर और यहाँ से फवाद आफरीदी, वही कैप्टन और वही वाइस कैप्टन। बाकी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम भाई जिंदाबाद है, जो यूजर्स नहीं जुड़े ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लो। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, उम्मीद रहेगा कि मैच हमारे अकॉर्डिंग चले, टॉस हमारे हिसाब से चले, एक खान खेले और हम मैच को आसानी से विन कर जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।